डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब हम ईएमएफ की बात करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो ये सब अलग अलग चीजें होती है. अब कैसे है, जैसे ईएमएफ को अगर आप डिफाइन करते हो तो ईएमएफ नॉर्मली आप क्या करते हो, एक लूप के बारे में ईएमएफ का सोचते हो. बट ईएमएफ जरूरी नहीं है किसी एक लूप में ही आपको निकालना होता है. आपको कोई भी एक पाथ को दे सकते हैं, कोई भी एक पाथ दे सकते हैं, एनी पाथ कैन बी गिवन टू यू. और उस पाथ में कोई भी दो पॉइंट चूज करके आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ इस पाथ में मूव करने पर हमें ईएमएफ कितना मिलेगा. तो ईएमएफ अगर आपको फाइंड करनी है तो मैथमेटिकल डेफिनेशन जो ईएमएफ का है वो क्या है कि अगर आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप जानते हैं किसी रीजन में कितनी है, क्योंकि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है मतलब पक्का इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उस रीजन में, तो उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में अगर आप एक चार्ज को पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हो तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना वर्क करना पड़ेगा वहां पे उस चार्ज को पहले पोजीशन से दूसरे पोजीशन ले जाने के लिए, वो वर्क फाइंड आउट करो एंड देन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज कर दो. तो इससे आपको जो क्वांटिटी मिल रही है उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं. इसमें कहीं पे भी कंडक्टिंग लूप होना चाहिए, ये सब कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं मिलेगा आपको. क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि अगर मैं कोई भी दो पॉइंट स्पेस में दे दूं आपको तो ये दोनों स्पेस का पॉइंट के बीच में भी ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है. मैं आपको एक वुडन लूप बना के दे दूं, वुडन लूप, तो मैं कंफ्यूज करने के लिए मल्टीपल सिचुएशन दिखा रहे हैं. जैसे मान लेते हैं कि कंडक्टिंग लूप की जगह है मैंने क्या कर दिया, एक वुडन लूप दे दिया एंड उसको एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया एंड मैंने बोल दिया कि बताओ इस लूप में कितनी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है. तो तुमको लगे यार ये जो लूप दिख रही है वुडन लूप तो इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर करंट ही नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा मतलब ईएमएफ नहीं आएगा. अब यही गलत हो गई है. इंड्यूस ईएमएफ नहीं होना और इंड्यूस करंट नहीं होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. लूप में अगर आप लूप की बात कर रहे हैं, वो लूप किस तरह का लूप है वो मैटर नहीं करता है. हम कह रहे हैं कि अगर आप इस क्लोज लूप में मूव करोगे किसी एक चार्ज को पकड़ के तो क्या आपको वर्क करना पड़ेगा या नहीं, ये सोच के देखो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर प्लेसिंग अ लूप और नॉट है या नहीं है. आप लूप प्लेस करो या ना करो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंड्यूस हो गई है ना सराउंडिंग रीजन में. टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है वो तो है इस रीजन में. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में अगर आप एक चार्ज को एक जगह से दूसरे का मूव कराते हो तो डेफिनेटली आपको वर्क करना पड़ रहा है. ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में अगर आप क्लोज लूप में मूव करेंगे तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा. एंड जब आप ये वर्क कैलकुलेट करते हैं इसको जब आप टोटल टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो फिर आपको जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है उसको ईएमएफ कहते हैं. तो इसको कंडक्टिंग लूप से क्या लेना देना है, मतलब अगर वुडन लूप होगा तो भी वहां पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी बट इंड्यूस करंट नहीं होगी. क्यों? क्योंकि इंड्यूस करंट को इंड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए वहां पे, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए. बट जब वुडन लूप की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या है, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है. तो ईएमएफ होगा बट क्या होगा, कोई करंट नहीं होगा. क्या आपको बात समझ आ रही है? आ रही है बात समझ में? तो बेसिक चीज आपको यही समझ आनी चाहिए. जो ईएमएफ की हम बात कर रहे हैं, ईएमएफ इसको जब आप बात करते हैं ईएमएफ इन या इंड्यूस ईएमएफ एक्सक्लूसिवली लिखना चाहिए आपको, इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन any two points in a path of in a path in a region of time varying magnetic field is work done in moving a test charge work done in moving a test charge in the given path and per unit test charge karte hain by test charge karte hain this induced emf sir ha ha boliye सर. इस केस में तो हमको सिर्फ वो सर्कुलर वो जो लूप है उसमें ही तो हमको मूव करना है, कोई भी तरह से तो हम मूव करके दो पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं जा सकते. नहीं, आपको पाथ को दे देंगे कि कहां से कहां के बीच में निकालेंगे, वो तो देंगे आपको. आपको क्लोज लूप का निकालना है तो क्लोज लूप की बात करेंगे, कोई दो पॉइंट के बीच में बात करें तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं. वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि कोई भी दो पॉइंट के बीच में पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि क्लोज लूप में ही हमेशा आपको ये पूछा जाए.
हाँ अगर अगर आप यू नो जेई मेंस तक अपने आपको रिसेट कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको लूप का ही पूछेंगे, पर जेई एडवांस की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां पे आपको ये किसी दो पॉइंट के बीच में पूछ सकते हैं. सो दिस इंड्यूस ईएमएफ हैज नथिंग टू डू विथ अवेलेबिलिटी ऑफ अ क्लोज लूप और कंडक्टिंग लूप और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी चीज की इसको जरूरत नहीं है. दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी डिफाइंड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एनी पाथ इन एन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. इसको सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है, बस उसी से आपको फाइंड आउट करनी है. यू नो अब अगर इमेजिन करो कि आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर ली, ठीक है चलो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने समझा, अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस आप जब आप फाइंड आउट करते हो तो दो सिचुएशन की पॉसिबिलिटी है. देखो अगर आप एक पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से डिफाइन होती है? पोटेंशियल डिफरेंस तो कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से डिफाइन होती है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से डिफाइन होती है. किसकी वजह से डिफाइन होती है? कंजर्वेटिव फील्ड. इंड्यूस ईएमएफ किसकी वजह से डिफाइन हो रही है? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड. ये जो इंड्यूस ईएमएफ की हम बात कर रहे हैं, दिस इज ड्यू टू द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. This is due to the non-conservative electric field. But whenever we talk of potential difference, it is due to the conservative electric field. ये conservative electric field की वजह से ही आ सकता है. अब imagine करो कि जैसे मतलब अगर मैं ये बोलूं आपसे कि हवा में कोई भी दो पॉइंट आपने चूज कर लिया, यहाँ पे दो पॉइंट चूज कर लिया, ये वाली पॉइंट मान लो कि एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में है, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में आपका नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है. बट क्या कंजर्वेटिव फील्ड है कहीं पे भी? क्या कंजर्वेटिव फील्ड कोई भी कहीं पे भी आपको दिख रहा है इसमें? नहीं सर. नहीं, अब कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है तो अगर मैं पूछूं इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट बी सेम एज ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो. क्या आपको बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूं? आई अंडरस्टैंडिंग? हां सर. ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे सपोजिटली मैं बोल रहा हूँ कि ये दो पॉइंट के बीच में अगर मैं एक कंडक्टर डाल दूँ, लेट अस से कि मैंने यहाँ पे कंडक्टर का एक रॉड डाल दिया, ठीक है, एक कंडक्टिंग रॉड डाल दिया, तो अगर कंडक्टिंग रॉड डालोगे तो वो कंडक्टिंग रॉड डालने से अब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, अभी ये सोचना पड़ेगा. अगर आपने यहाँ पे कंडक्टिंग रॉड डाल दिया, सोचो यहाँ पे कंडक्टिंग रॉड, दिस इज अ कंडक्टर, ये मान लो कि एक इलेक्ट्रिक मतलब ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा हुआ है, तो मान लो कि यहाँ पे ऐसे फील्ड लाइन्स काट के ऐसे निकल रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे सोचो कि एक फील्ड लाइन्स को काट के अगर निकाल रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है तो इसकी वजह से अगर कोई भी कंडक्टर में आप अगर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड को भी डालते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्सेस लगेंगे नहीं लगेंगे? लगेंगे. और ये फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्सेस लगेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एक एंड से दूसरे एंड तक ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेगा, राइट? और जब ये ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेगा एक एंड से दूसरे एंड तक, तब आपको पता है कि वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा. क्यों? क्योंकि चार्जेस सेपरेट हो गए ना. कोई नहीं हुए, हरी बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं? यस सर. हां, तो अब चार्जेस सेपरेट हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हो रही है वो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, या फिर अगर इसको हवा निकाल दें और यहाँ पे हवा में भी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा. किसकी वजह से मिल रही है पोटेंशियल डिफरेंस? किसकी वजह से मिल रही है आपको? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो मिली ना, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो ड्रिफ्ट किया एक एंड से दूसरे एंड तक, एंड वो ड्रिफ्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही एक कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई एक एंड से दूसरे एंड तक, और उसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया. आ रही बात समझ में? ठीक है, तो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से क्रिएट होगा? ये जो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, दिस कैन बी सेट अप इन अ कंडक्टर. दिस कैन बी सेट अप इन अ कंडक्टर बाय the drift of electrons
इन कंडक्टर्स, कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में नहीं, ड्रिफ्ट ऑफ कंडक्टर्स ड्यू टू फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द नॉन कंजर्वेटिव इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या आपको बात समझ आ रही है? आपको बात समझ आ रही है? देखो, अब इतनी बात समझी ना हमने, अब इसको एक बार इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको छोटे छोटे दिखाता हूँ, देखो आप समझ आएगा. मान लेते हैं ये एक सिलिंड्रिकल रीजन ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है. इसकी रेडियस हमने आर दे रखी है एंड डीबी बाई डीटी आपको ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, ठीक है? मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मान लेते हैं बढ़ रही है. एंड मैंने आपसे क्या पूछा है, यहां पे एक पॉइंट मार्क कर दिया पी एंड यहां पे एक पॉइंट मार्क कर दिया क्यू, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा यहां पे कोई लूप नहीं रखा मैंने, देयर इज नो लूप ओवर हियर, कोई क्लोज लूप नहीं है. जैसे एक बाउंड्री आपको दिखा रखा है मैग्नेटिक फील्ड का, सर्कुलर बाउंड्री आपको दिख रहा होगा एंड उस रीजन में मैंने दो पॉइंट आपको मार्क करके दिखा रखे हैं. ये दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं आपको एल दे रखा है मैंने, आई हैव गिवन यू दिस डिस्टेंस टू बी एल, ठीक है? एंड मैंने आपसे पूछा क्या है, मैंने आपसे दो चीजें पूछी है. पहला फाइंड induced EMF, induced EMF across the line PQ. PQ line में induced EMF कितनी आएगी? ये आपको find करनी है. दूसरा, दूसरा जो आपको फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ. ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है, ठीक है? एंड आप देखो यहाँ पे कहीं पे भी कोई कंडक्टर वंडक्टर कहीं कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है? जस्ट एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें आपस में हमने दो पॉइंट पहले चूज कर लिया है. अब एक एक करके बात करते हैं, ठीक है? तो हमने कैसे डिफाइन किया था इंड्यूस्ड EMF को, कि कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर एक पाथ अगर हमें डिफाइंड है तो उस पाथ में हमें एक चार्ज को मूव करानी है एक एंड से दूसरे एंड तक एंड उसको मूव कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है ये फाइंड करेंगे एंड फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज कर देंगे, हमें इंड्यूस्ड EMF मिल जाएगी. क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर. ठीक है, तो एक बार करते हैं. देखो इसको एक बार कर रहा हूं मैं, चेक करो आप यहाँ पे. मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी एक आर्बिट्री रेडियल डिस्टेंस आर पे चले गए और इस आर्बिट्री रेडियल डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है पहले ये फाइंड आउट करते हैं. डायरेक्शन तो हमें पता है, यहाँ पे सर्कुलर फील्ड लाइंस होंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो सर्कुलर फील्ड लाइंस के फॉर्म में ही होंगे. तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन पता चल रहा है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का किस तरफ होगा, फ्लक्स बढ़ रही है अंदर की तरफ तो घटाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का फील्ड आएगा, कह सकते हैं? हाँ सर. तो देखो यहाँ पे हमने एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का. देखो दिस इज द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? अगर मान लेते हैं इधर से हमने ये वाले एंगल को थीटा ले रखा है तो ऑब्वियसली इधर का भी एंगल थीटा ही होगा. अब ये सोचो कि अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ क्यू नॉट, दिस इज अ टेस्ट चार्ज, ठीक है? ये टेस्ट चार्ज है. इस टेस्ट चार्ज पे अलोंग द लाइन पी क्यू कितनी फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी? क्यू इंटू ई आई कॉस थीटा लगेगी या नहीं? तो Q into EI का cos theta, ये आपकी फोर्स लग रही है एंड फोर्स के साथ अगर आप dr डिस्टेंस मतलब dr तो नहीं dl डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे एंड देन इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा एंड वर्क से फिर क्या करेंगे आप चार्ज को डिवाइड कर देंगे आपको फोर्स यू नो EMF मिल जाएगा, करेक्ट है? तो इंड्यूस EMF अक्रॉस, ये पहला पार्ट कर रहे हैं, इंड्यूस EMF अक्रॉस PQ निकालनी है तो इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन करना है तो Q into EI cos theta and multiplied with displacement dl, this displacement is along the line pq, ठीक है? along pq लेनी है and इसी को integrate करनी है.
वैल्यूज एक बार सब्स्टिट्यूट करें, ये क्यू नॉट, अच्छा ये पर यूनिट चार्ज करना है, क्यू नॉट से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एक बार इसको वापस से रीअरेंज करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, दिस इज कमिंग आउट ऑफ द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सो दिस विल बी आर बाई टू इंटू डी बी बाई डी टी, सो आर बाई टू इंटू डी बी बाई डी टी and that multiplied with cos theta. Diagram में देखो cos theta की value कितनी है। इस diagram में ये वाली length देखो तो आपको पता है क्या? Do we know this length? देखो तो ये वाली length को अगर मैं बोलूँ ये क्या आपको पता है? इसको a कह लेते हैं या r not कह लेते हैं? क्या r not आपको पता है? पता है क्या? r not के terms में ही substitute कर लो आप। r not fixed distance है। ये आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस तो आपको पता है कैपलर है, राइट एंगल ट्रायंगल देखो एक दिख रही होगी आपको, देखो यहाँ पे देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो हाँ सर दिख रही है, एल बाई टू बेस है एंड परपेंडिकुलर आर नॉट है एंड हाइपोटेन्यूज कैपलर है, तो क्या आपको आर नॉट मिल नहीं गया यहाँ से? कितना मिल रहा है? कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर बाय 4 L square by 4 आ जाएगा, ठीक है? तो ये R not मिल चुकी है आपको, तो R not is a known quantity, so यहाँ पे हम लिखा हमने R by 2, cos theta की value substitute कर रहे हैं, cos theta is base by hypotenuse, so this becomes R not divided by R, अगर आप एक, अच्छा इसे साथ DL भी multiply करनी है, एक interesting चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये R और ये R देखो cancel out हो जा रही है, अब इस expression में dB by dt इस पूरे R के लिए, मतलब देखो इसमें जब आप एक end से दूसरे end तक move करोगे तो ये radial distance R vary करेगा, होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? ये रेडियल डिस्टेंस आर वेरिएबल है ना? होगा सर, हाँ वेरिएबल। बट क्या डीबी बाई डीटी वेरिएबल है या डीबी बाई डीटी सबके लिए सेम है? सेम। तो डीबी बाई डीटी इज अ कांस्टेंट, तो उसको बाहर निकाल सकते हैं ना इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन से अगर बाहर निकाला हमने तो यहाँ क्या बचेगा? आर नॉट बाई टू इंटू डीबी बाई डीटी, इंटीग्रेशन से बाहर निकल गया एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली डीएल बच गया, एंड डीएल क्या था? अलॉन्ग दी पाथ लेंथ एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट था ना पीक्यू के अलॉन्ग, तो जब उसका इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल लेंथ ऑफ पीक्यू आएगा नहीं है? आएगा या नहीं आएगा? हां सर, दिस इंटीग्रेशन इज टू परफॉर्म्ड ओवर पीक्यू, आएगा सर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? r / 2 r not / 2 into dv / dt एंड दैट मल्टीप्लाइड विद l, दैट इज द आंसर। देखो आपको समझ आई है नहीं आई है? r not / 2 into dv / dt एंड दैट मल्टीप्लाइड विद l, देखो समझ आई है या नहीं आई है? आई है सर। आई है? क्या हम इसको किसी और तरीके से कर सकते थे? हाँ बोलिए बेटा। ছিলাম যে এই যে মানে মানে সেন্টার থেকে আর ডিসটেন্সে আমি একটা মানে একটা পয়েন্ট চুজ করলাম, তারপর থেকে বললাম এই পার্টটা, তারপর থেকে আবার রিপিট করে দেব মানে ওই পাঁচটা তারপর কি করলাম? কেন কেন কি হয়েছে? আমি শুনতে পারি না। আরে তো তখন বলতিছো, আমি পুরোটা রিপিট করতে বলছি, যে পুরো রিপিট শুধু ওই পার্ট শুধু ওই পার্টটা বাস। r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें वर्क फाइंड करना है, तो वर्क फाइंड करने के लिए क्या करोगे? फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लोगे, लोगे नहीं लोगे? तो वही तो किया है, तो क्यू नॉट इनटू ईआई का cos थीटा, तो इंटीग्रेट करो। अच्छा अभी का अब एक दूसरा तरीका दिखाता हूँ आपको, ठीक है? इसी चीज को कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका देखो, क्या हम बिना इंटीग्रेशन का फाइंड कर सकते थे या नहीं, अब ये सोचते हैं ऑल्टरनेटिव तरीका, स्मार्टर तरीका है। कोई भी एक सेगमेंट में जब आपसे लूप मतलब पूछे ना कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो ये कोशिश करो इसको कन्वर्ट करने, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। लेट अस ट्राई टू मेक अ लूप, क्लोज लूप ऑफ विच दिस पी क्यू विल बी अ पार्ट एंड देयर मस्ट बी सम अदर पार्ट ऑफ द लूप जिसको लेके क्लोज लूप बन जाए, बट वो सेगमेंट में कोई इंड्यूस ईएमएफ ना हो। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, थोड़ा लंबा स्टेटमेंट बोला है, यू नो आपको विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने बोला कि पहला पार्ट ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्लोज लूप अगर कहीं पे भी बना पाऊँ, इफ आई एम एबल टू विजुअलाइज एनी क्लोज लूप, जिस क्लोज लूप में हम लोग क्या करेंगे, जिस क्लोज लूप में हम लोग टोटल ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लोज लूप का टोटल ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लोज लूप का ईएमएफ फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, बस बी मतलब एरिया अगर आपको पता है तो ए इंटू डीबी वाई डी टी करके हम इंड्यूस ईएमएफ निकाल लेंगे। बट इसमें कोई ऐसे सेगमेंट से मुझे मिल जाए जिसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है, अगर ये पता है हमें, तो अगर टोटल लूप का ईएमएफ
में अगर मान लेते हैं दो पार्ट है, एक पार्ट है जिसमें कुछ इंड्यूस नहीं हुआ है और दूसरा पार्ट PQ है, तो isn't it obvious कि लूप का जो EMF है वही PQ का EMF है? कह सकते थे ऐसा? Are you understanding क्या कह रहा हूं मैं? हां सर। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट देखो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, ये ऑर्डिनरी सॉल्यूशन में आपने जहाँ पे एल लिखा है वो वाला लूप क्या कंसीडर कर सकते हैं? जहाँ पे एल लिखा है वहां पे मतलब आप ऐसा सोच रहे हैं, ये वाला पार्ट को सोच रहे हैं, इसको सोच रहे हैं क्या? नहीं सर, उसके नीचे वाला पार्ट को। उसके नीचे वाला पार्ट, अच्छा मतलब ऐसा बात करें ऐसा? हाँ सर। इससे क्या एडवांटेज होगा आपका बताओ? आपको इसका निकालना है बट इसमें इसमें और इसमें सब में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, सब में। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि सर्कुलर फील्ड लाइंस आएंगे, ऐसे आएंगे ना सर्कुलर फील्ड लाइंस। हाँ सर। और ये सर्कुलर फील्ड लाइंस का देखो कंपोनेंट है या नहीं अलोंग द लेंथ, है या नहीं है? हर जगह पे देखो है या नहीं है? कंपोनेंट्स है। और कंपोनेंट्स है तो काम कैसे आसान हुआ तुम्हारा? ये तो मुश्किल काम हो गया। आपने जो चूज किया वो अच्छा चॉइस नहीं था। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आई विल शो यू अ बेटर वे। ये देखो, ये हमारा सेंटर है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ है, थ्रूआउट रीजन है। ये पूरा अंदर की तरफ, ठीक है। अब ये सोच के देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये जो आपको दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है ना अंदर के अंदर, दिख रही है ट्रायंगल? इस ट्रायंगल का हाइट कितना है? आर नॉट। और इस ट्रायंगल का बेस कितना है? L। दिख रही है आपको? दिख रही है? ओके। अगर मैं इसमें इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की फिलहाल बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पे भी आप फाइंड आउट करोगे कहीं पे भी, तो सर्कुलर लूप्स की तरह ही बनने ही, आपको पता है। तो मैं ऐसे ही कुछ कुछ फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये चेक करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आपको पता है, फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रही है, तो घटाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट एक्सपेक्ट करते हैं आप, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एक इंड्यूस ईएमएफ एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो इंड्यूस करके दिखा रखा है। ये चेक करो, आप इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, इस ट्राइंगल के जो साइड है सीपी और सीक्यू, उस साइड के परपेंडिकुलर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है। देखो दिख रहा है आपको? दिख रही है? बस सर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन है, तो क्या अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करूं, तो क्या मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा सीपी या सीक्यू के अलोंग? नहीं सर। और अगर मुझे वर्क ही नहीं करना पड़ा, तो क्या ईएमएफ इंड्यूस हुआ? नहीं। इसका मतलब सीपी में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ है, सीक्यू में भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ है। तो जो ट्राइंगल सीपीक्यू है, क्या उस पूरे ट्राइंगल का जो इंड्यूस ईएमएफ है वो पीक्यू का ही इंड्यूस ईएमएफ है? आपको बात समझ आई क्या बोला मैंने? क्या आपको बात समझ आई है क्या बोला मैंने? हाँ सर। ठीक है, अलोंग सीपी एंड सीक्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज परपेंडिकुलर टू सीपी एज वेल एज सीक्यू, देयरफॉर नो इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस देम, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ across them. अब अगर उनके across EMF induced नहीं हुई है, so EMF of loop, loop मतलब किसको बात कर रहे हैं? CPQ की बात कर रहे हैं, will be equal to induced EMF across PQ. सही बोला मैंने? सही बोला है? अरे हाँ यार, तो बोल दो। तो induced EMF of PQ निकालनी है तो क्या करेंगे? Simply area of loop CPQ
and that multiplied with db by dt karoge ya nahi rate of change of flux and area of cpq kitna hai triangle cpq kitna hai area half into base into height so half into l into r naught into db by dt dekho match kar raha hai kya result ek baar check kar lete hain dekho result match kar raha hai kya match kar raha hai haan sir मैंने जो कंसेप्ट सिखाने की कोशिश की आपको वो समझ आया क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हैं आप ठीक है मतलब जो आपको जिस लाइन के अक्रॉस पोटेंशियल ये इंड्यूस ईएमएफ निकालना था हमने क्या किया उसको एक क्लोज लूप का पार्ट बनाने की कोशिश की है और ऐसा लूप बनाएंगे जिसमें बाकी पार्ट में कोई ईएमएफ इंड्यूस ना हो और बाकी पार्ट में अगर ईएमएफ इंड्यूस हो ही नहीं रही है तो इसका मतलब एक चीज आप श्योर होकर कह सकते हैं कि जो भी लूप का ईएमएफ हो रहा है वो आपका उसी सेगमेंट का ईएमएफ इंड्यूस है तो मेन कंसेप्ट यही था चलो ठीक है आपको दोनों मेथड दिखाया अब इसमें सेकंड पार्ट पे आते हैं उसने बोला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पीक्यू आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से आती है कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से आती है क्या कोई कंजर्वेटिव फील्ड है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई कंजर्वेटिव है यहाँ पे नहीं सर नहीं और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या है पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या बोलेंगे जीरो बोलेंगे क्या आपको बात समझ आई है हाँ सर ठीक है सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स पी एंड क्यू विल बी जीरो ये सेकंड पार्ट का आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी क्यू दैट विल बी जीरो क्यों बोल रहे हैं सिंस देयर इज नो कंजर्वेटिव फील्ड अवेयर देयर इज नो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हियर ठीक है अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इंप्रोवाइज करते हैं ठीक है अब नया क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन क्या करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में ही जस्ट क्या करते हैं पीक्यू लाइन के अलोंग एक कंडक्टिंग रॉड डाल देते हैं ठीक है पीक्यू लाइन के अलोंग एक कंडक्टिंग रॉड डाल देते हैं एंड एकदम बाकी सब कुछ सेम है क्वेश्चन भी सेम है अब आंसर में क्या चेंजेस आएगा वो सोचना है रेफरिंग टू प्रीवियस डायग्राम रेफरिंग टू प्रीवियस डायग्राम इफ We place a conducting rod between points P and Q. Between points P and Q, then find the answers. Find the answers to the two questions. The two questions. दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर फाइंड आउट करना है ठीक है अब मतलब कैसे डिफरेंस क्रिएट हुआ पहले वो समझने की कोशिश करो ये हमारा सिलिंड्रिकल रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड इसके रीजन में अब हमें एक कंडक्टिंग रॉड डालने वाले हैं तो अब हमारा फिजिकली यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है नाउ वी हैव अ कंडक्टर ओवर हियर दिस इज पी क्यू पी एंड क्यू यहाँ पे कहीं इसका सेंटर है एंड ये वाली डिस्टेंस आपकी आर नॉट आपको पता है एंड ये वाली डिस्टेंस आपको एल भी पता है पता है फील्ड अंदर की तरफ है दिस इज नॉन डेटा एंड डीबी बाई डी टी इज ग्रेटर देन जीरो ये भी आपको नोन डेटा है ठीक है रेडियस इज कैपलर ये आपको पता है अब ये सोच के देखो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कंडक्ट देखो इंड्यूस डीएमएफ को इससे कोई लेने देना नहीं है कि आपने यहाँ पे कंडक्टर प्लेस किया या नहीं किया उसका डेफिनेशन जो है वो आपको याद करो वर्क डन बाई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज करना है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या डिफरेंट आएगी कंडक्टर डालने से नहीं तो क्या उसका आंसर चेंज करेगा हमारा क्या उसका आंसर चेंज करेगा हमारा नहीं सर इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस पीक्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर एंड अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर है तो श्योर होकर हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस पीक्यू ये कितनी आएगी वही सेम जो रिजल्ट पिछली बार था आर नॉट बाई टू एंड इन टू डीबी बाई डी टी ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी एंड इसके साथ हमने एल को मल्टीप्लाई किया था तो ये सेम ही आ जाएगी
बट सेकंड पार्ट पे अभी मूव करते हैं. सेकंड पार्ट पे आंसर क्या सेम होगा, मतलब क्या फिर से पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा या नहीं, अब उसके बारे में सोचते हैं. तो पहली चीज ये सोच के देखो, जब हम आर्बिट्रेरी डिस्टेंस पे हम जाते हैं, ये आर्बिट्रेरी डिस्टेंस आर पे गए, और यहाँ पे सोचो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं. दिस इज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी कंडक्टर में पड़ेगा तो क्या वो उस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? लॉजिकली सोच के देखो, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा सर. किधर लगाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन अगर ये तो फोर्स उस पे किधर लगाएगा? ऊपर की तरफ थोड़ा इंक्लाइन करके, राइट, ऐसा लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ इंक्लाइन करके तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, राइट राइट हाँ सर. एंड उसका एक कंपोनेंट आपको इधर मिलेगा लेफ्ट की तरफ, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा? तो इसमें आपको दिखेगा कि लेफ्ट एंड पे एक्युमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो रही है एंड राइट एंड पे एक्युमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो रही है. क्या होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा सर. और अगर ये एक्युमुलेशन हो गई है तो पक्का है कंजर्वेटिव फील्ड तो डेवलप हो गई ना आपके कंडक्टर के अंदर, राइट? चार्जेस के ड्रिफ्ट करने की वजह से कंजर्वेटिव फील्ड डेवलप हो गई. एंड ये कंजर्वेटिव फील्ड जब भी जैसा भी डेवलप होगा, एक चीज श्योर हो कि आप कह सकते हैं कि इस कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होना चाहिए वो कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए ना, क्योंकि ड्रिफ्ट बंद हो चुका होगा जब, राइट? है ना? तो अगर मैं कह रहा हूं कि इस लोकेशन पे जो मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है उस पे भी फोर्स जीरो आना चाहिए जब स्टेडी स्टेट आ चुका होगा. तो अगर फोर्स जीरो आ रहा है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कंजर्वेटिव फील्ड डेवलप होगा या नहीं? होगा नहीं? देखो सोचो. और ये वैल्यू में एग्जैक्टली इक्वल टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए. होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आरी बात समझ में? तभी तो ड्रिफ्ट बंद होगा ना इलेक्ट्रॉन का, तभी तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट बंद होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट बंद कैसे होगा? तब तो लगातार चलता ही रहेगा. अब एक बार अगर ड्रिफ्ट बंद हो गई है तो आपको देखो अब एक कंजर्वेटिव फील्ड दिख रही है इस तरफ है, और कंजर्वेटिव फील्ड अगर इस तरफ है तो इसका एक कॉम्पोनेंट देखो इधर अलॉन्ग दी लेंथ ऑफ द रॉड पी क्यू आ रहा है. एंड आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ये कंजर्वेटिव फील्ड की बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फील्ड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल. तो अगर इस डायरेक्शन में फील्ड पॉइंट कर रहा है सो दैट पी एंड विल बी एट लोअर पोटेंशियल एंड क्यू विल बी एट हायर पोटेंशियल. ये बात समझ आ रही है आपको, राइट? एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर करके निकालोगे, ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन. एंड ये चीज श्योर हो कि आप कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव फील्ड का जो ई डॉट डी आर है और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ई डॉट डी आर है दोनों में बस एक नेगेटिव का ही डिफरेंस आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का क्या था? सेम था ना? था या नहीं था? राइट? तो इसीलिए आपको जो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने फाइंड किया है वही इंड्यूस्ड ईएमएफ बेसिकली क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी इस बार आ जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? हां सर. समझ आई है? यस सर. तो इस बार हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स the free electrons drift along the length of conductor, along the length of conductor to create a conservative electric field EC at every point such that conservative electric field is equal and opposite to induced electric field at steady state when drift stops. Therefore, the potential difference PQ minus VP, that will be equal to integration of conservative field dot dr. And this has to be integrated from end Q se leke Q P tak aap integrate kar lenge. And ye integration aapko pata hai, this will be just the magnitude, matlab ye value mein, this will be equal to the integration of induced electric field only. Okay, just the numerical value dono ka same hi hai. Since conservative electric field is negative of induced electric field, thus VQ minus VP will be equal to magnitude of the induced EMF
अक्रॉस पी क्यू आ जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू सिंपली लिख सकते हैं आप यहाँ पे जो आपने वैल्यू निकाला था आर बाई टू आर नॉट बाई टू इंटू डी बी बाई डी टी एंड दैट मल्टीप्लाइड विद एल यही आंसर हो जाएगा. ठीक है समझ आ गई सभी को? Yes, sir. Okay. अब सिचुएशन थोड़ा चेंज करते हैं. रेडियस आर है, ये मैग्नेटिक फील्ड सी है और ये डीवी बाय डीटी ग्रेटर देन 0 दे रखा हमने. एंड सिमिलर सिचुएशन है, मान लो इस बार हम रॉड प्लेस कर रहे हैं यहां पे फिर से, बट ये रॉड को थोड़ा बाहर प्लेस कर रहे हैं. मान लेते हैं यहाँ पे कंडक्टर दे रखते हैं और आपको फिर से ये पूछा उन्होंने कि इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस पीक्यू या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पीक्यू कितनी आएगी, ये दोनों आपको फाइंड करना है. ठीक है, इंटीग्रेशन तो एक तरीका है, बट फिर से सोचो कि आप बिना इंटीग्रेशन के आप फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सोचो. Will you be able to find out without integration or not? जो कंसेप्ट सिखाया वो यूज करो ना. आपको पता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा सर्कुलर फील्ड लाइन ही होते हैं. तो अगर फिर से मैं ऐसा सोचू, देखो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, क्या फिर से एक ट्राइंगुलर लूप बन रही है? देखो चेक करके बताओ मुझे, बन रही है क्या? ट्रायंगुलर लूप बन रही है? हाँ सर. इस ट्रायंगुलर लूप में अगर नाम दे दूं इसको, जैसे मान लेते हैं इसको नाम दे देते हैं, इसको ये सी है सेंटर के लिए और ये एंड पी है, मतलब एंड पी क्यू का नाम लिख देते हैं पी एंड क्यू. तो सी पी क्यू के लिए अगर हम बात करें तो सी से पी एंड सी से क्यू में क्या कोई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है? सॉरी इंड्यूस ईएमएफ होने वाला है? नहीं ना. ये सिर्फ और सिर्फ अंदर में नहीं, आप बाहर में भी सोचो सेम सिनेरियो है. तो अगर आप बाहर में भी निकालेंगे तो भी सेम सिनेरियो है. आप देखो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो आने वाला है वो आपका जो रेडियल लाइन है वो रेडियल लाइन के साथ आपका परपेंडिकुलर ही रहेगा. इसीलिए सी से पी मूव करो या सी से क्यू मूव करो, आपको कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं मिलने वाला है. तो इसका मतलब है इंड्यूस ईएमएफ अगर आप फाइंड करना चाहते हैं पीक्यू का, तो दैट विल बी इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस लूप ऑफ सीपीक्यू. एंड सीपीक्यू का अगर आप इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करते हो तो वो कितना आएगा? एरिया विद इन द फील्ड एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय डीबी बाय डीटी. कर सकते हैं ना? कर सकते हैं. हां सर. एंड मैग्नेटिक फील्ड जिस रीजन में है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आर वाले रीजन में, जिसका ध्यान रखिएगा. ठीक है, ये पूरे रीजन में एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आर वाले रीजन तक ही है. बी के वैल्यू आपके सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आर तक ही है. तो इसका मतलब है अगर हम फील्ड देखें तो वो मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब जो रीजन है वो कितना दूर तक है ये सोच के देखो. ये देखो ये वाली लाइन आपको दिखेगी आर है, और यहां से यहां तक ये वाला लेंथ देखो आपको दिखेगा ये आर है. दिख रही है आपको? तो क्या ये वाली एंगल आपको पता चल रही है 45 डिग्री है? ये भी 45 डिग्री हो गई है. दिख रही है? दिख रही है? तो जो रीजन फील्ड के अंदर है, जो रीजन फील्ड के अंदर है वो वन क्वार्टर ऑफ लूप है ना, वन क्वार्टर ऑफ सर्कल है. दिख रही है? दिख रही है आपको?
तो इसको क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ये पाई आर स्क्वायर बाई फोर एंड देन सिंपली डीपी बाई डी, दैट्स इट, मिल गया आपको ये, दिस इज वन फोर्थ ऑफ एंटायर सर्कल, वन फोर्थ ऑफ एंटायर सर्कल बेसिकली यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुई है, समझ आई है सभी को? समझ आई है? आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, दूसरे तरीके से अगर आप करते तो कैसे करते, अगर इमेजिन करूं कि ऐसे ही सिमेट्रिकल चार रॉड, मतलब चार रॉड मिला के अगर मैं क्लोज कंडक्टिंग लूप बना देता ऐसे चार लगा के, ऐसे सोचो, ये देखो ऐसा अब एक स्क्वायर बन गया, दिख रहा है आपको, दिख रही है? और इस स्क्वायर के लिए अगर आप देखोगे, इस स्क्वायर के लिए क्या आप सिमेट्री देख के ये कह सकते हो कि चारों सेगमेंट का ईएमएफ सबका सेम होगा, सिमेट्री देखिए, और चारों का अगर सेम है तो ये चारों का जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द वन फोर्थ ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द एंटायर लूप, कह सकते हैं चारों का सेम है एंड चारों को मिला के क्लोज लूप बन गई है, तो क्लोज लूप के लिए जितनी ईएमएफ इंड्यूस आएगी उसका वन फोर्थ कर दें तो एक एक सेगमेंट के लिए मिल जाएगा ना, और टोटल एरिया विद इन द लूप कितनी है, विद इन द मैग्नेटिक फील्ड कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इनटू डीबी बाय डीटी करते तो आपको पूरे स्क्वायर का ईएमएफ मिल जाता, और उस स्क्वायर का अगर मैंने वन फोर्थ कर दिया तो मुझे एक रॉड का मिल जाता, आपको भाई यही बात समझ में, कैसे एनालिटिकली किया हमने इसको, ठीक है? तो दो तरीका है, मतलब ऑब्वियसली आपको कौन सा स्ट्राइक करता है एग्जामिनेशन में, आप जो चीजें याद रखोगे जो इजीयर ग्रास्प करने के लिए आपके लिए, आपको ऐसे देखो मैं आपको अलग अलग तरीके से सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे कैसे सोच सकते हैं, एंड आपको ये भी पता है कि यहाँ पे अभी कोई क्लोज लूप बन नहीं रही है, कोई क्लोज लूप नहीं बन रही, मतलब कोई क्लोज लूप मतलब ये रॉड जो है वो दो एंड खुला हुआ है, तो जब खुला हुआ एंड मिलेगा तो उस केस में आपको पता है ना कि यहाँ पे करंट नहीं फ्लो करेगा स्टेडी स्टेट में, एंड स्टेडी स्टेट में अगर करंट नहीं फ्लो कर रही है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगी और जो ईएमएफ आएगी वो क्या होगी, सेम होगी ना दोनों, हो गया नहीं होगी, राइट? यही वाला केस हो गया ना, यही वाला केस तो हो गया, यही वाला केस हो गया, क्योंकि जो इसमें था वही चीज तो इसमें भी होगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस वही क्या होगा आपका ईएमएफ का भी होगा, तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी क्यू डेल्टा वी, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी क्यू विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस पी क्यू एंड दैट विल बी पाई आर स्क्वायर बाय 4 इनटू डीबी बाय डीटी हो जाएगा, ठीक है? ओके, एक और काफी अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा एनालिटिकली काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ये मान लो आपको एक कंडक्टिंग लूप दे रखा है, दिस इज अ कंडक्टिंग लूप, एंड इस कंडक्टिंग लूप को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है, बट ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ हम चेंज करेंगे, इसकी रेडियस आर दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है, एंड डी बी बाई डी टी की वैल्यू मतलब बढ़ रही है, ये आपको उसने क्वेश्चन में जो दे रखा है वो कुछ ऐसा है, यहाँ पे दो पॉइंट्स मार्क किया हमने, दिस इज एंड पी, दिस इज एंड क्यू, एंड यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा रखते हैं, ये वोल्टमीटर वी वन वोल्टेज का है, इसको एन पी और क्यू के बीच में कनेक्ट किया है, और एक और वोल्टमीटर हम इधर लगाने वाले हैं,
this voltmeter is V2. इसको भी P और Q के बीच में ही कनेक्ट किया है, बट आप देखोगे तो दूसरे तरीके से कनेक्ट किया, दिख रहा है, दिख रही है ना? हाँ सर, ठीक है। नाउ उसने पूछा है हमसे, उसने पूछा है फाइंड रीडिंग। अच्छा, ऐसे इस क्वेश्चन को थोड़ा दो पार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन के पार्ट्स करते तो अच्छा होगा। The loop shown is of uniform material and thickness. The materials are the same. Material and thickness. And आपको find क्या करना है? Find पहला induced EMF across PQ, ये कितनी है पहले ये find करना है, across shorter path में move करने पे, ठीक है। दूसरा उसने पूछा है potential difference across PQ, तीसरा उसने पूछा है reading of voltmeters V1 and V2. Voltmeters V1 and V2 ये find करना। अब एक एक करके करते हैं, ठीक है। पहला तो induced EMF, जिसको जो उसने find करने के लिए बोला है, induced EMF तो आपको पता ही है कि induced EMF को इससे कोई लेने देना नहीं है कि कंडक्टर है या नहीं है, उसको सिंपली किससे मतलब है, induced electric field कितना है and आप किस path में move कर रहे हो। तो electric field अगर आपको पता है तो directly आप मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो PQ जो लेंथ है वो तो सर्कुलर लेंथ ही है। फील्ड बढ़ रही है अंदर की तरफ, फील्ड बढ़ रही है तो हम घटाने के लिए इस पूरे रीजन में हम मान सकते हैं ना कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी आएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कह सकते हैं क्या? हम कह सकते हैं सर? बोल तो सो गए क्या सब? नींद आ गई क्या सबको? सो गए हो? नहीं। अरे इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा सा तो रिस्पॉन्ड करो कम से कम। नहीं, आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? नहीं सर। और को की आवाज थोड़ी थोड़ी फटी हुई आ रही है, माइक्रोफोन में कुछ प्रॉब्लम है शायद, बाकी तो किसी की आवाज भी नहीं आ रही है। चलो एनीवेज ठीक है, चलो जो सुन रहे हैं वही सुन लीजिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो अगर लूप का ईएमएफ निकाले तो उसका 1/4 ही बेसिकली पीक्यू पार्ट में है या नहीं है, दिख रही है आपको? तो वो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि टोटल ईएमएफ लूप का निकाल लो, उसका 1/4 कर लो, उसी से आप पीक्यू पार्ट का ईएमएफ मिल जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर बहुत ही आसान है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ पीक्यू दैट विल बी 1/4 ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ एंटायर लूप एंड दैट विल बी 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर इनटू डीवी बाय डीटी। ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पीक्यू उसने पूछा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंड्यूस ईएमएफ के इक्वल होना था तो ये तब होता जब इस पीक्यू में कोई करंट नहीं फ्लो करता। आपको याद है एक बैटरी, अगर बैटरी इमेजिन करो, एक बैटरी जो है आइडियल मान लेते हैं कि बैटरी है, और उस बैटरी के अक्रॉस अगर आप टर्मिनल वोल्टेज निकालते हो तो क्या वो हमेशा ईएमएफ के इक्वल होता है, या फिर वो ईएमएफ के इक्वल तब होता है जब उसमें करंट जीरो होती है? कब बोलते हैं करंट जीरो होता है तब इक्वल होता है, राइट? तो इसका मतलब इससे पहले जो केसेस हमने किए इसमें देखो कहीं पे भी क्लोज लूप नहीं बन रहा था कंडक्टर को लेके कहीं क्लोज लूप नहीं बन रही है, तो करंट फ्लो ही नहीं कर पा रहा था। एंड करंट नहीं फ्लो कर पा रहा इसका मतलब क्या, जो ईएमएफ है वही क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। बट यहाँ पे क्या करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। और अगर करंट फ्लो कर रही है तो फिर उस केस में आपकी पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगी या टर्मिनल वोल्टेज जिसको कह रहे हैं, क्या वो ईएमएफ के इक्वल आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी ना? आपको समझ आ रही है क्या मेरे में? नहीं आएगी। हाँ सर। तो इसका मतलब है इस बार पोटेंशियल डिफरेंस को आप ईएमएफ से इक्वेट नहीं कर सकते। तो आप कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का एक देखो एनालिटिकल तरीका जो आपको तुरंत समझा देते हैं कि आंसर जीरो आएगा, ये तुरंत आप कंक्लूड कर पाओगे, उसका मैथमेटिकली प्रूव करूंगा। अगर आप P से Q जा रहे हो, छोटे सेगमेंट में जाओ, छोटे सेगमेंट में P से Q, तो आपको क्या लग रहा है
करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, पी इज हायर पोटेंशियल, क्यू इज लोअर पोटेंशियल, पता चल रहा है? अगर आप पी से क्यू जा रहे हो छोटे सेगमेंट में तो फिर उस केस में करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पी टू क्यू, तो आपको पता चल रहा है कि पी इज एट हायर पोटेंशियल, क्यू इज एट लोअर पोटेंशियल। बट वही चीज जब आप क्यू से पी आ रहे हो बड़े लूप में, बड़े पार्ट में क्यू से पी में जा रहे हो, तो उस केस में आपको करंट का डायरेक्शन क्या दिख रहा है, क्यू से पी दिख रहा है हां सर। उस केस में आप क्या बोलोगे, कौन हायर पोटेंशियल पे है, क्यू या पी, कौन हायर पोटेंशियल पे है? क्यू। तो एक बार आप बोल रहे हो पी हायर पोटेंशियल पे है और एक बार बोल रहे हो क्यू हायर पोटेंशियल पे है, तो ये तो नहीं हो सकता ना, हो सकता है क्या? इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट क्यू दोनों ही क्या है, सेम है, एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो। क्या आपको बात समझ आई है? हां सर। राइट, दोनों का ही पोटेंशियल सेम होगा। अब इसको एक बार मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे। ये तो एनालिटिकली मैंने समझाया आपको, एनालिटिकली फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ऑफ पी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ क्यू फ्रॉम स्मॉलर सेगमेंट एंड पोटेंशियल ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ पी फ्रॉम लार्जर सेगमेंट। Therefore, potential of P has to be equal to potential of Q. Else, a contradiction will arise. Contradiction arises. ठीक है, ये analytically best तरीका है, आपने you know इसे prove किया. But अब इसको एक बार internally समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे potential difference zero आ रही है. ऐसे सोचो, अगर आप ऐसा एक closed conducting loop लेते हो, ये closed conducting loop है. और इस क्लोज कंडक्टिंग लूप के छोटे छोटे सेगमेंट्स में अगर देखोगे, छोटे छोटे सेगमेंट्स, तो हर किसी में एक इंड्यूस ईएमएफ है या नहीं है? नहीं है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में, क्योंकि छोटे छोटे सेगमेंट्स में इंड्यूस ईएमएफ किसकी वजह से आ रहा है, वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से आ रहा है। आपको ये समझ आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसकी ईएमएफ डीई एंड इसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस डीआर, डीआर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो छोटा सा उस सेगमेंट में होगा, डीएल लेंथ का जो भी वायर आप कंसीडर करते हो। यहां पे एक डी इंड्यूस ईएमएफ डीई, ये रेजिस्टेंस डीआर, ये भी डीई, ये भी डीआर। आ रही बात समझ में आपको? डीई कह सकते हैं आप, इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ स्मॉल लेंथ, स्मॉल लेंथ DL of loop, ठीक है? और ये induced EMF आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? आपको पता है total loop का EMF कितना है? Unitary method लगा लो। तो DE की value को अगर आप निकालना चाहते हैं, तो directly ले सकते हैं। Induced EMF per unit length, which is 2 pi R, and that multiplied with loop length DL। आ रही बात समझ में आपको? Yes sir। ठीक है? And ये जो DR लिख रखा है, DR is resistance of wire of DR is resistance of wire of length DL of loop, length DL of loop। तो ये DR की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? DR की वैल्यू विल बी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, अगर मान लेते हैं लैम्डा है, तो लैम्डा के साथ DL को मल्टीप्लाई कर दो। आपको समझ आ रही है? दिस इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ठीक है, अभी आप क्या करोगे सोचो, अगर आपको करंट निकालनी है इस लूप में कितनी करंट फ्लो कर रही है, मान लेते हैं कि इस तरह के हमारे पास n नंबर ऑफ बैटरीज बने, n नंबर ऑफ बैटरीज वेयर n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऑब्वियसली डी 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 करके लिखा है तो n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, सच n नंबर ऑफ बैटरीज, हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बैटरीज लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट बैटरीज can be imagined in the loop with n tending to infinity। ठीक है, ये होगा, पक्का है, क्योंकि dd करके लिखा है। बट करंट अगर आप लिखेंगे तो करंट की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, ये बताओ? n times of de divided by n times of dr, लिखोगे या नहीं? लिखोगे या नहीं लिखोगे? हाँ सर, लिखेंगे। तो क्या ये de divided by dr ही नहीं होगा? नहीं होगा,
हाँ सर होगा, समझ आ रही सबको? हाँ सर। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज अगर एक एक बैटरी के अक्रॉस निकालू तो डीवी अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं अक्रॉस ईच सच इक्विवेलेंट बैटरी तो क्या लिखेंगे आप उसको? डीई माइनस ऑफ आई इनटू डीआर, ये लिखेंगे ना? लिखेंगे नहीं लिखेंगे? हाँ। देखो तो ये जीरो आ रही है क्या? आ रही है? आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब एक एक जो बैटरी हमने मार्क कर रखा है, एक एक जो बैटरी मार्क कर रखा है डी 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 वाला, हर एक के क्रॉस इंडिविजुअली पोटेंशियल डिफरेंस है जीरो है, और हर एक के क्रॉस अगर इंडिविजुअली पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो पक्का है ना कि आप पी से क्यू मूव करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको जीरो ही मिलेगा। हाँ सर। ठीक है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस आपका आंसर क्या होगा? सो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी क्यू निकालेंगे तो ये भी आपका आंसर जीरो ही होगा। देखो आपको डिफरेंस समझ आ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नॉट सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस, क्या आपको समझ आ रहा है? कहीं पे सेम हो रहा है, कहीं पे सेम नहीं भी हो रहा है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपके करंट के फ्लो से भी रिलेटेड है, बट इंड्यूस्ड ईएमएफ को करंट से फ्लो से कोई रिलेटेड रिलेशन नहीं है। समझ आ रही है सभी को? हाँ सर। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट, सेकंड पार्ट से ज्यादा इंटरेस्टिंग थर्ड पार्ट है। अब वो बोल रहे हैं रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर्स V1 एंड V2 निकालनी है, V1 और V2 जो वोल्टमीटर है उनकी रीडिंग क्या है? वोल्टमीटर्स क्या रीड करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस रीड करते हैं ना? हां करते नहीं करते? बट पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो है, तो रीडिंग क्या जीरो आएगा या नॉन जीरो आएगा? अब ये किस पे डिपेंड करेगा? अब आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। एक चीज देखो, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो इसमें अगर मैं इमेजिन करो कि अगर मैं सपोजली इस सिचुएशन में मैं ये करंट हमने अगर फाइंड कर लिया, मान लेते लेट्स से वी हैव फाउंड आउट करंट, ये करंट की वैल्यू आपने निकाल ली है इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ लूप एंड डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ लूप करके, रेजिस्टेंस ऑफ लूप करके आपने निकाल रखा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ लूप आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर इनटू डीवी बाय डीटी, एंड रेजिस्टेंस ऑफ लूप भी आपको पता है लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 पाई आर कर लिया आपने। ठीक है, तो आपको करंट मिल चुकी है। इस करंट से अगर मैं रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दूंगा, करंट से रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करूंगा, तो वही क्वांटिटी मिलेगा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है, या नहीं? उस सेकंड में जैसे पीक्यू पार्ट का अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन पीक्यू अगर निकालते हैं तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ना, दिस विल बी करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ पीक्यू, कह सकते हैं? कैसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आना चाहिए, एंड पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो तभी आएगा ना जब ई माइनस आई आर जीरो हो। समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? समझ आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो ये चीज का आपको बात समझ आना चाहिए। अब इसमें क्या है कि अगर मान लेते हैं कि मैं इसमें ऐसे सोचूं, क्या सिर्फ इस पार्ट में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, या फिर ये देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट वोल्टमीटर का जो पार्ट है, देखो ये भी तो एक कंडक्टिंग से, कंडक्टिंग वायर से तो बना हुआ है ना, है ही नहीं है? क्या इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही? ये जो ग्रीन कलर से मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है, क्या उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है नहीं हो रही है? जो ग्रीन कलर से हमने मार्क किया है, क्या उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं है सर। हो रही है ना? अब हाँ, इसकी ईएमएफ कितनी है कैसे फाइंड आउट करें? इसमें कितनी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है? हमेशा सिमेट्री यूज करने की कोशिश किया करो, हमेशा कुछ अच्छी चीजें यूज करने की कोशिश करो। इसका नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, बट क्या हम किसी और का फाइंड कर सकते हैं जिसका पार्ट ये हो? अगर मैं सोचो ये पीक्यू वाला जो छोटा सेगमेंट है इसको इसके लूप के साथ मिला दो, अब ग्रीन कलर से देखो एक क्लोज लूप बन रही है, दिख रहा है आपको? ग्रीन कलर से क्लोज लूप बन रही है, दिख रहा है? ये क्लोज लूप में क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिख रहा है? और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स नहीं है तो ऑब्वियसली इंड्यूस्ड ईएमएफ इस पूरे लूप में अगर निकालते तो जीरो आता या नहीं आता? हाँ सर। और अगर अगर इस लूप की ईएमएफ इंड्यूस जीरो है तो पीक्यू में जितना ईएमएफ इंड्यूस है वही रिमेनिंग पार्ट में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। सही कह रहा हूं? समझ आ रही है क्या क्या मैंने? समझ आ रही है क्या कहा मैंने? हाँ सर। इसमें ईएमएफ इंड्यूस इधर से इधर हो गया पीक्यू का, इंड्यूस ईएमएफ पीक्यू का ही है, तो पक्का है इस पार्ट में भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया होगा इधर से ही, और ये इक्वल टू पीक्यू का ही होगा, ताकि लूप का ईएमएफ देखो जीरो आएगा, दिख रहा है आपको? देखो लूप में ईएमएफ जीरो दिख रहा है, दिख रही है आपको? एक क्लॉकवाइज सेंड करने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंड करने की कोशिश कर रहा है, लूप का ईएमएफ जीरो आ गया, दिख रही है? हां सर। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल गया कि जो बड़ा वाला सेगमेंट था जिसमें वोल्टमीटर कनेक्टेड था उसमें भी उतनी ही ईएमएफ इंड्यूस हुई है। ठीक है,
बट वोल्टमीटर के थ्रू जो करंट जाती है, वोल्टमीटर का रीडिंग जब हम लेते हैं तो वोल्टमीटर में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करंट फ्लो करता है. वोल्टमीटर्स आर हाई रेजिस्टेंस डिवाइसेस, बट अ सर्टेन करंट हैज टू पास थ्रू इट, देन ओनली इट विल रीड सम करंट, मतलब रीड द वैल्यू. जो भी करंट उसके थ्रू पास करता है, दैट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, उससे ही आपको उसकी रीडिंग मिलती है, राइट? मिलती नहीं मिलती है. तो अगर मैं इसका इसका एक क्लोज लूप का अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बनाते हैं इस पार्ट के लिए, इक्विवेलेंट सर्किट हम जस्ट बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे दिखा रहा हूं, थर्ड पार्ट के लिए कर रहा हूं, ठीक है, यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है. यहां पे एंड पी था, यहां पे एंड क्यू था, यहां पे हमारा वोल्टमीटर है, ये वी वन वाला, यहां पे हम इसको लगा रहे हैं, ठीक है. अब मैं इसको शेड कर दूंगा एक बार ताकि आपको ध्यान रह जाए बात के लिए. यहाँ पे जो लूप बन रही है इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ सिलिंड्रिकल रीजन के अंदर है. दिस इज रेडियस आर. सो फॉर दिस लूप, फॉर दिस लूप मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो, therefore induced emf of loop will be zero, therefore induced emf across pq segment, circular wala segment jo hai, circular segment will be induced emf across pq in the straight segment also, theek hai, taki total loop aapka emf zero ho jaye. To iska diagram bhi draw kar dete hain yahan pe, to kuch aisa situation hame dikhega. Ye induced emf across pq hai, इसमें करंट भी फ्लो कर रही है, ध्यान रखना है हमें. बट इसमें इसमें कुछ एक करंट फ्लो करेगी, इसको हम I1 मान लेते हैं, एंड वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस को कुछ RV मान लेते हैं, एंड यहाँ पे भी एक आपकी EMF आ रही है, ये जिसका हमें ध्यान रखना है. दिस इंड्यूस EMF इज सेम एज PQ बाय EMF. दिस I1 विल बी वेरी लो, वेरी लो. क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर वेरी हाई है, एंड वोल्टमीटर की रीडिंग अगर हम बात करें, वोल्टमीटर रीडिंग अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या वो I1 into RV होगा? होगा ही नहीं होगा? हाँ सर, I1 into RV. बेसिकली यही आपको find out करना है कि I1 into RV की वैल्यू कितनी है, ये आपको निकालना है. तो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में सोचो, इसका इक्विवेलेंट सर्किट सोचो. अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाता इसका, इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाते, तो इक्विवेलेंट सर्किट में आपको क्या दिखता, PQ पार्ट में एक रेजिस्टेंस है, ये हैंड पी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बैटरी है, और यहाँ पे एंड क्यू है, एंड यहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन है, यहाँ पे हमारा वोल्टमीटर है, यहाँ पे एक बैटरी है. ठीक है ना, डायग्राम समझ आ रही है आपको? यस सर. इसमें केवीएल लगा लो, बस एक बार केवीएल लगा. केवीएल लगाने से देखो, ये इंड्यूस ईएमएफ पीक्यू का दोनों का कट जाएगा आपस में, दिख रहा है आपको? एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज दिख रहा है? हाँ सर, दिख रही है. तो बचा क्या आपके पास? सिंपली आई इंटू आर अक्रॉस पीक्यू विल बी इक्वल टू आई वन इंटू आर वी. हुआ या नहीं हुआ? देखो तुम, हुआ यानी इसका मतलब वोल्टमीटर की जो रीडिंग है, V1 की रीडिंग, जो V1 है, that will be basically I1 into RV, and that is equal to I into R across PQ. ये तो पहले ही समझाया आपको. I into R across PQ, ये क्या है? Induced EMF across PQ ही है ना? ये नहीं है? और induced EMF across PQ मतलब कितना है? 1/4, वही वाला वैल्यू ले लेंगे. जिसका मतलब वैल्यू यहाँ पे कितनी लिखनी चाहिए हमें? This will be simply 1/4 of induced EMF of entire loop, and that will be 1/4 of. मतलब ये loop लिखना थोड़ा गलत हो जा रहा है, क्योंकि loop आप सोचेंगे ये यहाँ पे जो loop diagram बनता है, तो इसको लिख लेते हैं 1/4 of pi r square, और sorry, हाँ pi r square into dv by dt आ जाएगा. Clear है? समझ आएगी सभी को?
समझ आई है? यस सर। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है जो आप याद रख सकते हैं, मतलब इतना कॉम्प्लिकेट ना करें, अगर फाइनली हम समझने की कोशिश करें, जैसे ऐसे सोचो जो आपको समझना याद रखना है वो ये है कि अगर मुझे इस पार्ट का इस पार्ट के अक्रॉस इधर से अगर वोल्टमीटर लगाया, इधर से वोल्टमीटर लगाया, तो इस छोटा सेगमेंट जो सर्कुलर सेगमेंट दिख रहा है उसका जो इंड्यूस ईएमएफ है वही बेसिकली वोल्टमीटर का रीडिंग है या नहीं है? यही आया ना। अब सिमिलर तरीके से जब वोल्टमीटर मैंने इधर से लगा दिया तो अब बड़े सेगमेंट में जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वही वी टू का रीडिंग होगा। ये आपको बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो देखो दो पॉइंट है पी और क्यू, उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में एक बार वी वन लगाया इधर से और एक बार उधर से वी टू लगा दिया, तो रीडिंग दोनों बार क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। रीडिंग इज नॉट सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस याद है यहाँ पे जीरो था, याद है? पोटेंशियल डिफरेंस वाज जीरो, बट वोल्टमीटर रीडिंग इज नॉन जीरो, वोल्टमीटर रीडिंग इज सेम एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। आ रही बात समझ में आपको? समझ आई है सभी को? हाँ सर। तो ये चीज आप एकदम मतलब ये समझ लो, क्योंकि ये थोड़ा सा यू नो ग्रास्प करना थोड़ा सा यू नो डिफिकल्ट है, बट एक बार समझ गए तो फिर कितना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि जब क्लास लेक्चर खत्म हो जाएगा तो फिर कल के दिन मैं वापस से एक बार फिर से इस सेक्शन का वीडियो मैं अपलोड तो कर दूंगा कल तक, तो एक बार फिर से वापस से इसको देख लेना, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग सा चीज है। कहाँ पे वोल्टमीटर रीडिंग आती है, कहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ये सब चीजें अलग अलग होती है। तो सिमिलरली लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसका एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे शायद आप बाद में कंफ्यूज कर जाएंगे। इसको मैं यहाँ पे इक्वल टू करके लिख देता हूँ। दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस पी क्यू, एंड फिर अब आप लिख सकते हैं। अब सिमिलरली लिख देते हैं, सिमिलरली अगर वी टू निकालेंगे तो दैट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ।